हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आज आपके साथ टमाटर, हरी टमाटर की सब्जी का वीडियो शेयर करूंगी। ये मैंने टमाटरों को धोकर अच्छे से वॉश कर काट लिया है। दो इसमें हरी मिर्च काट ली है, एक मैंने प्याज काटा है, थोड़ी सी लहसुन, दो चार लहसुन की कलियां काटी है, और ये मेरे मसाले हैं। मैंने भगोनी के अंदर 2 चम्मच तेल चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी। जीरा चटक गया है। अब इसमें मैं प्याज फ्राई करूंगी। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर दूंगी मैं। अब टमाटरों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक। ये टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी। 1 चम्मच में मिर्च डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। 2 चम्मच में इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, और 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड करूंगी, और इसको अच्छे से मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले आप अपनी स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और इसको 5 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। ये 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो गए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी। टमाटरों को ज्यादा पकाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि ये भाप से सूख जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये झटपट से बनने वाली सब्जी है, 2-5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। सब्जी बहुत ही टेस्टी और लजीज बनी है। आप इस तरह से हरे टमाटर की सब्जी बना सकते हैं, जो इस सीजन, सर्दी के सीजन में टमाटर आते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।